कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन कैन बी टेकन बाय कॉमर्स ग्रेजुएट्स, तो ये जो प्रॉस्पेक्टस में दिया गया है उससे डायरेक्ट आपको ये बता देता हूँ, कॉमर्स के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कॉमर्स, क्योंकि 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक, सिक्स्थ से लेके 10वीं तक नहीं टीच की जाती, ये 10+1 और 10+2 में टीच की जाती है, तो नेचुरली आप इसके लिए एलिजिबल होगे, जो पीजीटी की पोस्ट इसको बोलते हैं, टीजीटी के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। तो कॉमर्स ग्रेजुएट में और किस किस को शामिल, एक तो बीकॉम हो गई आपकी, बीबीए हो गई और बीकॉम एलएलबी हो गई, फिर भी बेस्ट जो बीकॉम वाले हैं कॉमर्स की डायरेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट आगे कह सकती है गवर्नमेंट जॉब के दौरान के बीबीए वालों को बीएड तो करवा दी है ना, रिलैक्स करके बीकॉम एलएलबी को बीएड तो करवा दी है, लेकिन हमें बीकॉम या एमकॉम चाहिए, सॉरी एमकॉम ही चाहिए, बीकॉम के बाद एमकॉम ही चाहिए, एमकॉम हर हालत में आपको करनी ही पड़ेगी। आप बीएड विद कॉमर्स कर लेते हो, नंबर एक आपका कॉम्बिनेशन ओके, और उसके बाद एमकॉम की हुई है या करते हो, उसके बाद आप बनते हो पीजीटी के लिए एलिजिबल, दैट इज वाई कॉमर्स वालों के लिए थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी होती है। तो दूसरा सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है, वो इकोनॉमिक्स ही बनता है, आपकी नेचर से मैच करता है, लेकिन अगर आप एमए इकोनॉमिक्स करते हो, एमए इकोनॉमिक्स करते हो, फिर आप इकोनॉमिक्स की पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा आप, इसको मिटा देता हूँ, मतलब हर हालत में कॉमर्स ग्रेजुएट या बीबीए बीकॉम एलएलबी वालों को एम मास्टर डिग्री करनी ही पड़ेगी। दूसरा कॉम्बिनेशन उनके लिए क्या बनता है, कॉमर्स जो पीछे डिस्कस हो चुका है, दूसरा लैंग्वेज जो आपने जनरल पढ़ी हुई है, कंपलसरी पढ़ी हुई है, 1 साल है 2 साल है 3 साल है, लेकिन उसके बाद आपको एडिशनल पेपर देना पड़ेगा किसका, ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन में एडिशनल पेपर 1 मंथ में ही हो जाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इजी है। फॉर एग्जांपल अगर आप लैंग्वेज चूज़ करते हो बीएड में, यहाँ पर आपने इंग्लिश चूज़ कर ली, पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश, कॉमर्स एंड इंग्लिश कॉम्बिनेशन ले लिया, कॉमर्स की आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, और इंग्लिश अगर आपने ली है तो बाद में ग्रेजुएशन में आपको एडिशनल सब्जेक्ट देना पड़ेगा 3 साल का 1 मंथ में जो हो जाता है। तो आप टी जी टी इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप मदर टंग चूज़ करते हो दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा, तो भी आपको उसका एडिशनल पेपर देना पड़ेगा। दिस इज़ अबाउट कॉमर्स ग्रेजुएट्स कॉम्बिनेशन, इसके अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं है। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू। हाँ, और जानकारी जो चाहिए, पहले मैं बता चुका हूँ दूसरे वीडियो में, कि ये यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर चाहिए, आप जब क्वेश्चन पूछना है या अपने आप को गाइड करना है, तो ये जानकारी आपके पास ज़रूर चाहिए, तभी आप गवर्नमेंट जॉब तक पहुँच सकते हो। ठीक, इसको रीड कर लीजिए, कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। डॉक्टर तीर सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज़।